वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट क्या होता है, उसके इम्पेयरमेंट के कॉजेस कौन कौन से होते हैं। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट क्या होता है कि जैसे कि हमने कोई सिग्नल भेजा, जैसे कि हमारा ये एनालॉग सिग्नल है, ये हमारा एनालॉग सिग्नल है, ये हमने सेंड किया और हमने जैसा सेंड किया वैसा हमें ट्रांसफर नहीं रिसीवर पर वैसा नहीं हुआ, अलग ही शेप मिल गई उसकी। अगर हम डिजिटल, ये हमारा एनालॉग सिग्नल, अगर हम डिजिटल सिग्नल अपना सेंड करें ये इस तरह से, अगर हम ये सिग्नल अपना सेंड करें तो ये हमारा डिजिटल सिग्नल। तो अगर जैसे कि हमने सेंड किया सिग्नल वैसा, जैसा हमने सेंड किया वैसा हमारे रिसीव नहीं हुआ, हमें कुछ और ही रिसीव हुआ, वैसे जैसे नंबर ऑफ बिट्स हमने सेंड की वैसे हमें रिसीव नहीं हुई, तो ये क्या होता है हमारा ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट। तो ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट के कॉजेस कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर है, पहले कौन सा हमारा अटेन्यूएशन, और दूसरा हमारा डिस्टॉर्शन, थर्ड है हमारा नॉइस। तो ये क्या हमारे ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट के कॉजेस है, जो हमारे कॉजेस आते हैं ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट होता है। ट्रांसमिशन जैसा हम सिग्नल सेंड करते हैं वैसा नहीं रिसीव होता, तो उसके कौन कौन से कारण है, कौन कौन से रीजंस हैं। तो सबसे पहले रीजन है हमारा अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन में क्या होता है कि जैसे कि हमारा लॉस ऑफ एनर्जी, कि अटेन्यूएशन इसका मतलब है हमारा लॉस ऑफ एनर्जी, कि हमारा जो जिस एनर्जी से हमारा सिग्नल ट्रांसफर हुआ था उस एनर्जी से नहीं हमें रिसीव हुआ, कोई और ही एनर्जी से रिसीव हुआ, जैसे कि हमने ये इस तरह से भेजा, तो इसमें क्या हो गया हमारा ये, तो ये हमारा सेंडर पे है, सेंडर ने इस फ्रीक्वेंसी से हमारा जो मैसेज है वो ट्रांसफर किया, और लेकिन जो रिसीवर को, जो हमारा रिसीवर है उसको किस फॉर्म में मिला हमें, उसमें मिल गया हमें एनर्जी गिर गई इस तरह से, ये था हमारा रिसीवर एंड पे, क्यों इसकी एनर्जी गिर गई। देखो लॉस ऑफ एनर्जी हो गया ना, देखो इस तरह से हमारा कितना क्लियर जा रहा है, और इधर क्या हुआ हमारा कहीं नीचे कहीं ऊपर, तो ये हमारा लॉस ऑफ एनर्जी, कि इसकी लॉस एनर्जी लॉस हो गई। तो इसमें इसको क्या करना है, इसको कम करने के लिए तो हम क्या यूज करते हैं, एम्पलीफायर। जैसे कि हमारा ये सिग्नल है यहाँ से आया और बीच में हमने यूज किया एम्पलीफायर, ये हमारा एम्पलीफायर, इसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम एम्पलीफायर यूज करते हैं। और जैसे हमारा सिग्नल इस तरह से सेंड हुआ और एम्पलीफाई होके अगर हमारा यहाँ पर कोई हमारा लॉस हो गया हमारे सिग्नल का, तो एम्पलीफाई क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा, उसको रीजनरेट करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा यहाँ पर एम्पलीफाई होने के बाद जो हमारा ये वाला मैसेज पहुंच गया था रिसीवर पे, लेकिन एम्पलीफायर ने किया उसी उसको, जो हमारा मैसेज आता था उसी को ट्रांसमिट कर दिया, उसी को एनालाइज किया, एम्पलीफायर ने किया उसको एनालाइज किया और रीजनरेट किया और उसको ट्रांसफर कर दिया। तो ये था हमारा अटेन्यूएशन। नेक्स्ट है हमारा डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन में क्या होता है कि हमारा जैसे जाता है सिग्नल जाता है, तो उसमें कहते हैं शेप चेंज होती है, शेप किस, देखो ये हमारा तो ये हमारा सिग्नल है जो हमारे सिलेंडर साइड से जा रहा है, और रिसीवर साइड पे हमारा क्या मिला हमें, इस तरह से सिग्नल हुआ और उसकी शेप ही चेंज हुई। तो ये था हमारा सेंडर साइड पे, और यहाँ पर क्या हुआ हमारे सिग्नल की, सिग्नल तो रिसीव हो गया लेकिन उसकी शेप चेंज हो गई। तो डिस्टॉर्शन में क्या होता है कि जो हमारा सिग्नल जा रहा था उसकी शेप चेंज होगी। तो ये था हमारा डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन इसको मेजर करने के लिए हमारी कौन सी यूनिट यूज की जाती है, हमारी डेसिबल। जो हमारे इम्पेयरमेंट होते हैं इन तीनों के लिए, अटेन्यूएशन डिस्टॉर्शन और नॉइस को काउंट करने के लिए हमारे पास डेसिबल है, इसकी यूनिट है, ये यूज की जाती है। तो अगर हमारे पास नॉइस को या डिस्टॉर्शन को काउंट करना है, उसको कैलकुलेट करना है, तो हमारी कौन सी जो इकाई है, यूनिट है, कौन सा यूज किया जाता है, जैसे कि लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर,
वेट को करने के लिए किए, तो हमारे अटेनुएशन या डिस्टॉर्शन और नॉइस को काउंट करने के लिए क्या होता है हमारा डेसिबल यूज किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा नॉइस। नॉइस क्या होता है, जैसे कि हम कोई बात कर रहे हैं या किसी पे फोन पे बात कर रहे हैं, तो कोई जैसे दो जने बात कर रहे हैं और तीसरा भी बीच में बोलने लग गया, तो हमें क्या होता है कि वो उसकी ज्यादा आवाज सुनने बजाय कि जो सेंडर है उसकी कम सुनाई देगी, जो कि साइड में नॉइस कोई एक्स्ट्रा आवाज है तो उसमें उसकी ज्यादा आवाज सुनाई देती है। तो इसी तरह हमारे नॉइस में क्या होता है कि जैसे हमारा सिग्नल है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये हमारा नॉइस है, नॉइस हमारा सिग्नल ऐड हो जाता है। नॉइस इस नॉइस में कहते हैं कि जैसे हमारा सिग्नल है उसमें नॉइस ऐड हो गया और हमारा सिग्नल हमें रिसीव हुआ इस तरह से और इसमें हमारा नॉइस ऐड हो गया। तो इसमें क्या होता है कि नॉइस में कहते हैं कि जो हमारा सेंडर सिग्नल भेजता है उसमें क्यों अनवांटेड सिग्नल्स, जो नॉइस जिनको बोला जाता है अनवांटेड सिग्नल, हमारे जो ओरिजिनल सिग्नल है उसमें ऐड हो जाते हैं और वो हमारे रिसीवर एंड पे रिसीव होते हैं। तो ये था हमारा नॉइस। अगर आपको ये तीनों टॉपिक क्लियर है तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है हमारा ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट, उसमें तीन टाइप है, इसके तीन कॉजेज है, अटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन और नॉइज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।